अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन को दबाएं, आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और साथ में मैं अपनी डेली की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, पनीर रेसिपी। ना तो ये हमारा पनीर शाही पनीर है, ना ही हांडी पनीर है, ना ही कढ़ाई पनीर है। हमने इसको बहुत ही घर में सिंपल एंड इजी मेथड से इस पनीर को बनाया है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 बड़े सरसों का तेल ले लिया। तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें जीरा डाल दिया। जीरा होने के बाद हमने इसमें 3 बड़े प्याज मिक्सी किए हुए डाल दिए। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। हमारे प्याज भुन चुके हैं और साथ ही में हमने इसमें 4 बड़े टमाटर डाल दिए, वो भी मिक्सी हुए। अब हमें टमाटरों को भी अच्छे से भूनना है ताकि हमारे टमाटरों में कोई कच्चापन ना रहे। देखिए हमारे टमाटर थोड़े अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा बहुत और भूनना है जब तक इसका कच्चा बनना चला जाए। अब ये हल्के फुल्के भून चुके हैं। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च सूखा धनिया नमक और हल्दी 1-1 चम्मच डाल देंगे और फिर हम इन सूखे मसालों को भी प्याज टमाटर के अंदर मिक्स करते हुए चलेंगे ताकि हमारी सूखे मसाले और प्याज टमाटर का मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारी तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, सूखे मसाले भी प्याज टमाटर भी। और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी ग्रेवी अच्छे से भूनती चले और जल्दी से उसमें से तेल निकल आए। अब हमने इसमें फिर से थोड़ा पानी डाला है ताकि ग्रेवी और अच्छे से भुन सके। ग्रेवी हल्की फुल्की भुनने के बाद हमने इसमें थोड़े सा 2 बड़े चम्मच हमने मलाई डाल दी है और साथ ही में बहुत मामूली सा दूध डाल दिया। अब हम इसको हिलाते चलेंगे। फिर हमने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है। फिर हम इसमें थोड़ा सा मामूली सा पानी इसलिए डालें ताकि इसमें से हमारा जल्दी से तेल निकल, ग्रेवी में हमारा अच्छे से ऊपर तेल आ सके। फिर हम इसे हिला रहे हैं। फिर हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। फिर हम इसे हिलाएंगे ताकि काली मिर्च का भी फ्लेवर आ सके। फिर थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि ग्रेवी हमें अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। फिर हमने थोड़ा पानी डाला ताकि ग्रेवी और अच्छे से भुने। आप देख सकते अब हमने इसमें सारे पनीर के पीसेस डाल दिए हैं। अब हम इसको पनीर को हमने मसाले में डाल दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा कितना बढ़िया पनीर बन के तैयार हो चुका है, वो भी पास से। चलिए हम इसकी अभी प्लेट लगा लेते हैं। मैंने घर में ही पनीर में ऊपर से थोड़ी सी मलाई डाली है। आप चाहें तो इसमें बाहर की क्रीम आती वो भी डाल सकते हैं। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।